इस देश में बात कही क्या जाती है और बात का अर्थ क्या निकाला जाता है। ये परंपरा आज से नहीं चल रही है, हजारों सालों से इस देश में चल रही है। क्या बेवकूफ बना रहे हो देश को? मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख आएंगे, कब का था? मैंने तो एक भी बार नहीं सुना। 487 सभाएं मैंने भी सुनी है, एक भी बार उन्होंने ये कहा। विदेशों में इतना जमा क्या कह रहा था ना भाई, मैंने विदेशों में इतना काला धन जमा है कि अगर वो आ जाए तो एक आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाए, इतना काला धन जमा। यही कहा था, यही कहा था। अब कहने का अर्थ क्या होता है, बात क्या कही जाती है, ये अगर देश के मूर्ख लोग ये समझ लें, 15-15 लाख मांगने वाले जो उनके समझ में नहीं आ रही तो मैं समझाता फिर रहा हूं, भगवान तू उनमें तो अकल है ही नहीं। अकल होती तो ऐसी बात नहीं करते। तो मैं उनको समझाता फिर रहा हूं कि 15 लाख कहने का मतलब क्या। हजारों साल से हमारे देश में परंपरा है कि बात कही क्या जाती है, उसका अर्थ समझाने के लिए कही जाती है। कैसे कही जाती है? भारत सोने की चिड़िया था तो सोने की चिड़िया तो नहीं था, चिड़िया तो नहीं था, लेकिन चिड़िया के माध्यम से समझाया क्या जाता था कि भारत में इतना सोना चांदी इतना धन धान्य था, इसको सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। कहना क्या था और समझाना क्या था, ये इन मूर्खों को मैं यही समझाना चाह रहा हूं। फिर कहा क्या कहा, भारत वो देश जिसमें घी दूध की नदियां बहती थी, आज तक नहीं भाई। घी दूध की नदी इनके बाप ने भी नहीं देखी होगी कभी, मैं बता रहा हूं। कहा क्या जाता है और समझाया क्या जाता है, घी दूध की नदियां बहती थी का मतलब क्या, इतना यहाँ घी दूध हुआ करता था, ये सब पशुधन था, ये कहा जाने लगा घी दूध की नदियां बहती थी। हमारे ये आपको यही लो आया दूर में था, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये कोई लोहे के तो पुरुष नहीं थे, ये लोहे के तो नहीं थे, ये तो पुरुष ही, लेकिन इनके निर्णय इतने कठोर हुआ करते थे कि ऐसा कहा जाने लगा ये लोह पुरुष है। कहा क्या जाता है, समझाया जाए। मैं तो रिपत मेरे मित्र के घर पे गया, उसके दादाजी अंतिम सांसें ले रहे थे, तो मेरा मित्र आया बाहर, मैंने क्या हुआ, बोले कुछ नहीं यार दादाजी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अब मैं अंदर गया देखने, वो तो कोई नहीं गिन रहे। वो तो चुपचाप लेटे हुए थे बेचारे, पड़े हुए थे, कुछ नहीं गिन रहे थे। मैंने कहा कहाँ गिन रहे हैं? अरे बेवकूफ, अंतिम सांसें गिनने का मतलब इनका अंतिम समय आ गया है, आखिरी सांसें, ये कहने का मतलब होता है। बात समझी क्या जाती है, कही क्या जाती है, हमारे देश में हजारों वर्षों से परंपरा। अब मोदी जी ने कह दिया कि इतने पैसे जमाए कि 15 लाख रुपए आ जाए, तो कहने का मतलब क्या था, हमारी जनसंख्या कितनी, 125 करोड़। अब आप 125 करोड़ को 15 लाख से गुणा करो, अब जो जितने पैसे बनते हैं उतने पैसे विदेशों में जमा है, बस ये कहने का उनका मतलब था। अरे 15 लाख आ गए क्या, 15 लाख आ गए है तुम्हारी मूर्खों की अकल के अंदर। सबर संपट में कुछ पढ़ नहीं रही इन मूर्खों के, माता बोली मैं कह रहा हूँ कुछ काम तो सही कह रहा हूँ मैं आपको, काम करना है तरीके से काम करने पर, कुछ काम तो मोदी जी के भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि काम करने कैसे है, परिणाम लाना है तो काम करने के तरीके। मोदी जी ने एक अभियान चलाया इस देश में, बहुत बढ़िया अभियान चलाया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा भाई, अच्छा अभियान है, सफल होना भी चाहिए। कौन सा अभियान? स्वच्छ भारत अभियान। अरबों खरबों रुपए केंद्र सरकार ने इस अभियान पे खर्च भी किए, यार अभियान बहुत बढ़िया सफल होना चाहिए, लेकिन अभियान सफल नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा,